पठानकोट के हल्का भुआ में पड़ते गांव कीड़ी वासियों ने पंजाब सरकार जिला प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। ये रोष प्रदर्शन गांव से ओवरलोड रेत बजरी से भरी ट्रक गुजरने को लेकर किया गया। गांव वासियों ने कहा कि हमारे गांव के पास जम्मू कश्मीर की हद लगती है, यहां से रोज हजारों ट्रक रेत बजरी लेकर आते हैं, गाँव की सड़कों से निकलते हैं, जिससे यहाँ स्कूल आने जाने वाले बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गांव के लोगों को भी मुश्किलें आ रही हैं। गांव वालों का कहना है कि रात को और भी ज्यादा खतरा हो जाता है, क्योंकि रात के समय ट्रक बहुत तीव्र गति से चलते हैं। उन्होंने कहा कि गांव की सड़कें टूटने लगी हैं, जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। दूसरी ओर गांव वालों ने कहा कि इस संबंध में पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन माननीय कैबिनेट मंत्री से बात कर रहे हैं, पर अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। हाँ जी सर, की नाम है अपना? जी पवन कुमार। की कहना चाहते हैं रोड के संबंध में प्रोटेस्ट हो रहा है? सर गल इस तरह कि तुहाडे सामने ये देखो किदा दी हालत बन गई है इस रोड की। गल है भी मेरा मुहल्ला ये नाल ही है, मेरा इस गली दे नाल जिहड़ी सड़क जिथे ट्रक लंघ रहे ने, बड़े बड़े दस दस पंद्रह पंद्रह टायरी ट्रक लंघ रहे ने, बिल्कुल पांच फुट दे नाल मेरा घर जिहड़ा आ दीवार लगदी है। साडे घर दे विच चार पांच बच्चे जिहड़े छोटे छोटे आ, तीन तीन चार चार साल दे, पांच पांच साल दे। सानू बच्चों का खतरा रहिंदा जी, बच्चा हुण हर दम बंदा बच्चे दे मगरी थोड़ी रह सकदा। सानू बच्चों का खतरा और बड्डियां का भी खतरा हैगा जी, छोटियां का भी खतरा और महल्ले बेड़े का भी खतरा। कल इत्थे दो लेडियां हेठ लगी सीआं, उन्होंने बड़ी मुश्किल पहुँचाया। दो तीन बार असीं धरने भी मारे इत्थे, लेकिन जो भी है ट्रक वाले कुछ जबरदस्ती करदे, कुछ पिछों उन्होंने आर्डर हो जाता, कुछ अगों आर्डर हो जाता। फिर गल जिहड़ी आ जिहड़ी मौके की जिहड़ी आ इदां होंदी है जी, कोई नहीं मनता, कोई नहीं गल सिरे कोई चढ़ती नहीं है। हूँ अं धरने भी दो दिन मारे गल जी उत्थे दी उत्थे ही है ट्रक रोज। हाँ फिर अगे की करोगे जिस तरह नहीं तो अगे हम सरकार पहले भी दो इंटरव्यू दे चुके हैं, साढ़े सरपंच साहब दे चुके ने, अंकल होनी दे चुके ने, तो सरकार जी एक दो बारी उन्होंने कहा भी है, पर लेकिन कोई भी मुद्दा जरा सिरे नहीं, सरकार नहीं लै रही। हूँ असा फिर सोचा भी चलो भी हम धरना मारा बैठा ट्रक जो नहीं मनगे अगे बैठा लम्मे पवोंगे उन्हें फिर लंघाओ साढ़े सिर। हूँ देखो की बनता फिर गलबात हो जाती है तो फिर कौन जिम्मेवार? प्रशासन जिम्मेवार, फिर सरकार जिम्मेवार। सरकार नूं फिर बोलांगे तुसीं साडा नहीं न्याय किया तो असीं हुण मरने पर आ गए। ट्रक वगैरा नहीं है, लेकिन पांच सात दिन इन्ना ट्रक है दिने भी तो सानू तो बहुत ज्यादा समस्या बनी गई। कित्थों आ रहे ट्रक? ये सारा बाहर तो आ रहे जी, इधरों लांगे डीसी साहब नूं मिलांगे, ये सारे नाल लैके चलांगे। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਦੋਨੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਟਰੱਕ, ਕਢਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਝਗੜਾ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਆ ਨਾ ਸੀਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਕਿਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ SHO ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੀਨੀ